अगर आपने अपने चैनल टेक टू बूम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी ही सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिल जाए। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 स्मार्टफोन्स जो कि आप बाय कर सकते हैं 2018 दिसंबर के महीने में। और दोस्तों मैंने टॉप 3 ही लिए हैं क्योंकि है तो 15,000 की रेंज में, 11 से 15,000 की रेंज में कुछ 3 से ज्यादा ही स्मार्टफोन्स, लेकिन मैंने जो बेस्ट 3 मुझे लगे जो कि आप लोग अलग अलग प्राइस कंसिडरेशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं तो वो मैंने आपके लिए चूज करे, क्योंकि ज्यादा फोन बता दिया है तो उनके अंदर भी कंफ्यूजन होता है आप कौन सा लें, इतने सारे फोन्स हो गए, 4-5 फोन हो गए, तो इसलिए जो मैंने टॉप 3 बेस्ट लिए अलग अलग प्राइस को लेते हुए बस खाली उनको मैंने कंसीडर किया और मैं आपको बताऊंगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फहद, आप देख रहे हैं टेक टू बूम, चलिए आगाज करते हैं। दोस्तों इस बजट कैटेगरी के अंदर जो पहला स्मार्टफोन है वो है हमारा रियलमी U1 जो कि अभी वेरी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। दोस्तों इसके अंदर दो वेरिएंट से 3 GB, 32 GB, 4 GB, 64 GB इस प्राइस रेंज के अंदर कैटेगरी के अंदर 15,000 की। तो 3 GB जो 32 GB वाला है वो हमें मिलता है सबसे पहला फोन 12,000 के अंदर, जो कि 12,000 रुपए की कीमत के अंदर काफी अच्छा स्मार्टफोन है। इसके अंदर हमें जो स्पेक्स मिलती है दोस्तों वो मिलती है हमें हीलियो का P70 प्रोसेसर जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है, काफी अच्छी उस पर गेमिंग हो जाती है, काफी अच्छी फीचर दी हुए हैं जैसे कि AI फीचर्स वगैरह, और काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। और साथ ही हमें मिलता है इसमें 6.3 इंच का डिस्प्ले जो कि फुल एचडी डिस्प्ले, फ्रंट में मिलता है हमें 30 मेगापिक्सल का कैमरा, और बैक में मिलता है 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जिसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए है, और बैटरी इसमें मिलती है हमें 3500 mAh की, और बिल्ड इसकी जो लगभग लगभग देखने में रियलमी 2 प्रो जैसी ही है। तो ओवरऑल काफी अच्छा फोन है, 12,000 रुपए की कीमत के अंदर 3 GB रैम 32 GB वाला वेरिएंट काफी ज्यादा कंसिडरेबल है, और इसको 12,000 रुपए का आपका अगर बजट है तो इसको आप खरीद सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 2 के ऊपर जो फोन है वो दोस्तों वो है हमारा Asus का Zenfone Max Pro M2 जो कि ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ये जो है इसका बेस वेरिएंट 3 GB रैम 32 GB वाला ये आता है 13,000 रुपए की कीमत के अंदर। और इसकी जो स्पेक्स हैं उसमें मिलता है हमें स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, ओवरऑल काफी पावर एफिशिएंट भी है प्रोसेसर, और गेम्स वगैरह भी इसके थ्रू काफी अच्छे से हैंडल हो आते हैं पबजी जैसे गेम्स वगैरह भी। और इस फोन की तरह हमें मिलता है 6.26 इंच का, यानी ऑलमोस्ट 6.3 इंच का डिस्प्ले, IPS फुल एचडी डिस्प्ले है, और इसमें हमें मिलती है दोस्तों 5000 mAh की मैसिव बैटरी जो कि काफी अच्छी चीज है, 5000 mAh की काफी अच्छी कैपेसिटी में मिलती है हमें। और बाकी जनरल फीचर्स के अंदर है सामने जो है इसमें 30 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, और रियर के अंदर 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरास मिलते हैं जिसमें 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए, और उसके कैमरा भी काफी अच्छे से इंप्रूव कर दिए गए हैं कंपैरेटिवली टू इसके प्रीवियस वर्जन M1 के मुकाबले। और साथ में इसमें जो सबसे अच्छी चीज, एक नई चीज एकदम मिलती है वो है गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन जो कि काफी मजबूत, काफी अच्छा प्रोटेक्शन है, डिस्प्ले को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, स्क्रैच वगैरह जल्दी नहीं आते उसके ऊपर, और टूटता भी जल्दी नहीं है, गिरने के बाद भी अगर सादा बिना कवर के भी अगर आपका फोन गिरता है तो जल्दी आपका डिस्प्ले नहीं टूटेगा ऐसा, और भी यूट्यूबर्स ने काफी टेस्ट भी करा है इसको गिरा गिरा करके, तो काफी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है। दोस्तों अगर मैं इन दोनों को लेके कहूँ रियलमी U1 का 3 GB 32 GB वाला 12,000 के अंदर और उसका 13,000 के अंदर 3 GB 32 GB वाला Zenfone Max Pro M2 का, तो मैं कहूंगा 1,000 रुपए ज्यादा के अंदर जो है हमें दो ज्यादा अच्छे बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक गोरिल्ला ग्लास 6 डिस्प्ले और दूसरी 5000 mAh की बड़ी बैटरी। दोस्तों अगर आपका बहुत ही टाइट बजट है 12,000 रुपए का तो आप रियलमी U1 के लिए बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन अगर आप 1,000 रुपए ज्यादा डाल के कुछ ये अच्छे एडिशनल फीचर्स ले सकते हो जो कि काफी यूजफुल फीचर्स हैं अपने आप में, 5000 mAh की बड़ी बैटरी जो कि बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देती है Zenfone Max Pro M2 को, और उसका गोरिल्ला ग्लास 6 का डिस्प्ले अगर आपका फोन ज्यादा हाथ से गिरता है, अगर आप कहीं ज्यादा अच्छे अच्छे गिराते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो 1,000 रुपए ज्यादा डाल के अगर Zenfone Max Pro M2 लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आपका टाइट बजट है बहुत ही तो आप 12,000 में U1 को भी ले सकते हैं। इसके बाद जो नंबर 3 की बार आता है फोन वो आता है रियलमी का ही रियलमी 2 प्रो। दोस्तों इसके अंदर भी हमें ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स मिलती है Zenfone Max Pro M2 जैसी, इसमें हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छा प्रोसेसर है, साथ में मिलता है 6.3 इंच का फुल एचडी IPS प्लस डिस्प्ले, फ्रंट में दिया गया हमें इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा, और बैक में दिया गया हमें 16+2 मेगापिक्सल कैमरा इसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए। बैटरी के मामले में इसमें मिलती है 3500 mAh की बैटरी जो कि ठीक ठाक एवरेज अपना परफॉर्मेंस दे देती है दिन भर के अंदर, डुअल VoLTE सपोर्ट मिलता है जो कि ऑलमोस्ट अब सारे फोन में आ रहा है, और डेडिकेट मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिलती है जो कि हमें M2 के अंदर भी मिलती है। दोस्तों ये जो है इसका 4 GB रैम 64 GB वाला जो वेरिएंट है वो मिलता है हमें 14,000 रुपए के अंदर, तो 14,000 रुपए की कीमत के अंदर ये बहुत अच्छा फोन है। इसमें हमें दोस्तों 4 GB रैम 64 GB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, और 14,000 प्राइस के अंदर आप इस फोन को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों अगर हम इन प्रीवियस वाले जो दो फोन से
इनकी बात करें तो 14,500 के अंदर हमें 4GB रैम 64GB वाला U1 मिलता है और 15,000 के अंदर हमें मिलता है Asus का Zenfone Max Pro M2। 500 रुपए का डिफरेंस और 1,000 रुपए का डिफरेंस में हमें दो फोन मिल रहे हैं। तो अब इनमें से हम कौन सा कंसीडर करें, तो वही चीज मैं कहूंगा जो मैंने जो Realme U1 और Zenfone Max Pro M2 के कंपैरिजन में कही थी। अगर आपका एकदम स्ट्रिक्ट बजट है, 14,000 से ऊपर 1 रुपया भी ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, तो बिल्कुल डेफिनेटली Max Pro M2 आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा फोन है 14,000 के अंदर, 4GB रैम 64GB वाला। लेकिन अगर आप थोड़े पैसा अगर डाल के अगर कोई फोन ले सकते हो तो मैं कहूंगा इंस्टेंट आप 1,000 रुपए ज्यादा डाल के 4GB रैम 64GB वाला Max Pro M2 लें Asus का। उसमें आपको 1,000 रुपए ज्यादा डाल के 5,000 mAh की बैटरी का एडिशन मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। 5,000 mAh की बैटरी, काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा आपको। और दूसरी चीज, आपको Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन मिलेगा, जो कि अपने आप में काफी अच्छी चीज है, आपके डिस्प्ले को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रहेगा। तो 1,000 रुपए अगर आप ज्यादा डाल रहे हो तो कोई बुरी चीज नहीं, आपको दो बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स। तो अगर आप 1,000 रुपए ज्यादा डाल सकते हो तो बिल्कुल आप Asus Zenfone Max Pro M2 को ले सकते हैं 15,000 के अंदर, वरना 14,000 के स्ट्रीट बजट के अंदर Realme 2 Pro को बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 स्मार्टफोन जो कि मैंने पिक किए आप लोगों के लिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है जल्दी लाइक बटन दबा के लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए, और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी सब्सक्राइब बटन हिट करके सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ढेर ऑसम टेक वीडियोस लेकर अपने चैनल पर आता रहता हूं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।